एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज हमारी आपकी डेट है 21 दिसंबर। सो यहाँ पे कुछ बच्चों ने, गुड मॉर्निंग खुशबू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सुनीता, सबको गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, आप लोग बताइए कैसे हैं एंड आपकी पढ़ाई वगैरह, स्टडी कैसी चल रही है? तो चलिए देखते हैं, आज हमारी आपकी डेट है 21st। तो इसके सारे पहले हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कि आज कौन सा प्लेस न्यूज़ में आया है, और एट द एंड हम आपका डेली की तरह एक सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी आर्टिकल में कहीं पर भी डाउट होगा तो जस्ट आस्क यूर डाउट इन दी कमेंट बॉक्स सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला आर्टिकल। देखिए पहला आर्टिकल यहाँ पे GS पेपर 2 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप सबने जब भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे होंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भरे होंगे, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है, लाइक SC ST कैटेगरी, और भी आपका जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भी एक रिजर्वेशन सेक्शन आपका रहता है। इवन आप UPSC का फॉर्म भी भरते हैं तो आप वहाँ पर भी देखते होंगे रिजर्वेशन, आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है फिजिकली हैंडीकैप के लिए। अब इस आर्टिकल में देखो क्या बात हो रही है, पीपल विथ ब्लड डिसऑर्डर, ऐसे लोग जिनको आपका ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड का मतलब समझ रहे हैं, खून में कोई कमी है, नॉट एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन इन दी जॉब। तो सेंटर ने अभी नए एक बिल में ये बात बोली है कि ऐसे लोग जिनको आपका ब्लड डिसऑर्डर है वो एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए इन दी सेंटर, गवर्नमेंट ने ऐसा आपका नोटिस दिया है। तो देखते हैं क्या है इन डिटेल में। पीपल विथ ब्लड डिसऑर्डर, लाइक कुछ पर्टिकुलर ब्लड डिसऑर्डर की यहाँ पे बात करी है, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा नाम थैलेसेमिया, दूसरा है आपका हीमोफीलिया, और लास्ट है आपका सिकल सेल डिजीज। इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर होती हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, पेरेंट्स टू आने वाले बच्चों में, आपके आगे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लड में ये तीन पर्टिकुलर डिजीज हैं वो आपके एलिजिबल नहीं है जॉब रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट रोल में, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। तो रिसेंटली जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसने आपका ये चीज़ बोला है कि ऐसे पर्सन जिसमें ये पर्टिकुलर तीन ब्लड डिसऑर्डर हैं वो आपके एलिजिबल नहीं है फॉर दी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, चलो मतलब उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो देखो ये पर्टिकुलर कैटेगरी में यहाँ पे बात करी गई है। अब देखिए जो ये तीन डिजीज जो है यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं इन द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी अंडर द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो हमारा राइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट को अपडेट किया गया था उसमें ये बात आपकी बोली गई है। आगे देखो क्या बोला है, बट दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जॉब रिजर्वेशन बेनिफिट। ये आपके जॉब रिजर्वेशन बेनिफिट से क्या है, एक्सक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इनको हटा दिया गया है। तो कुछ रूल्स हैं देखो रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ डिसेबल पीपल। आपने देखा होगा जब फॉर्म फिल करते हैं ना तो वहाँ पर आपसे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के साइन प्लस आपको वहाँ पे ये भी फिल करना होता है कि कितने परसेंट डिसेबल की कैटेगरी में आप आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 4% रिजर्वेशन इन दी गवर्नमेंट जॉब इज अवेलेबल फॉर दी पीपल विद दी डिसेबिलिटी। तो जो पर्सन आपके डिसेबल हैं उनके लिए 4% रिजर्वेशन जॉब है एवरी गवर्नमेंट जॉब में, और एवरी गवर्नमेंट जॉब एस्टेब्लिश मस्ट रिजर्व दी 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पीपल विथ दी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखो डिसेबिलिटी के बिना अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ऑथराइज करके अपने आपको आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको मार्क करना होता है। अब यहाँ पर ये बात बोली है कि जो 4% रिजर्वेशन है वो आपका डिसेबल पीपल के लिए होता है, और उसमें भी 1% जो रिजर्वेशन होता है वो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, जिन पर्सन को उनको आपका दिया जाता है। तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। अगर हम बोलें कि क्या बेनिफिट देते हैं ये पॉलिसीज आपकी, ऑस्टिम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, उससे आपकी स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी और आपका मेंटल इलनेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एक्ट है इसमें डिफाइन नहीं किया गया डिसेबिलिटी को, कौन से डिसेबिलिटीज को, जैसे ब्लाइंडनेस और लो विजन हो गया आपका, दूसरा है आपका डीफ और हार्ड हियरिंग, कभी आपने सुना होगा किसी के साथ ये प्रॉब्लम आपकी होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और आपका इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैरालिसिस, लेप्रोसिस, डार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम जितने भी हो गए हमारे, और जितने भी हमारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गए, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए कुछ भी आपका डिफाइन नहीं करा गया है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो
तो ये चीज जो जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं इनको ध्यान में रखेंगे। अब देखो जो पर्टिकुलर तीन डिजीज हैं जिसके लिए अभी नोटिफिकेशन आया है कि इन तीन पर्सन के ब्लड डिसऑर्डर जिस भी पर्सन को होंगे वो आपका रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो पहला देखो थैलेसेमिया, इसका नेचर क्या होता है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है आपका किसका, हीमोग्लोबिन को। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन डेवलप हो गई तो उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल हीमोग्लोबिन वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया तो इसमें क्या होता है, ये आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये डिफिशियंसी होती है आपकी क्लॉटिंग फैक्टर्स में, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, ऐसे पर्सन को जिसको हीमोफीलिया हो जाता है प्रोलॉन्ग उसको ब्लीडिंग होने लगती है, डिफिकल्टी होने लगती है किसमें, क्लॉटिंग में, ब्लड का क्लॉट ही नहीं हो पाता और रेगुलरली ब्लड की क्या होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद सिकल सेल डिजीज, तो मैंने अभी भी आपके साथ कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट प्लान लाई है कि उसको सिकल सेल को क्या करना है, कम्प्लीटली एनिमिलेट करना है। मैंने आपको बताया था ट्राइबल रीजंस में बहुत ज़्यादा ये आपका होता है जिसमें आपका जो ब्लड का शेप है वो एस शेप में आ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिकल सेल डिजीज कहते हैं। ये एक मैंने आपको ये भी बताया था जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अल्टर कर देता है रेड ब्लड सेल के शेप को। मैंने आपको बताया था जनरली द शेप इज लाइक राउंडेड, है ना, तो जिस पर्सन को सिकल सेल डिजीज हो जाता है उसका ये एस शेप में आ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिकल सेल डिजीज। तो ये अल्टर कर देता है रेड ब्लड सेल को और सर्कुलेशन इश्यूज को भी ये पूरी की पूरी तरह से चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये तीन डिजीज हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर द जीएस पेपर 3, यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट है हेल्थ एंड इश्यूज को लेके एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है जो डिजीज यहाँ पर न्यूज में आई है, ठीक है। यस वेरी गुड, देखो यहाँ पे किसी बच्चे ने लिख भी दिया, देखो इधर अगला आर्टिकल क्या है, इट्स अ टाइम टू बैनिश द फियर अराउंड द केसरी दाल, अभी क्या है अभी समझेंगे जस्ट, एंड रिलीज द न्यूट्रिशन लेगूम। अब यहाँ पर जो ये ग्रास पी है ना जिसको हम लोग ले रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लिंक है आपका इस पर्टिकुलर डिजीज से, लेथराइसिम ये एक डिजीज का नाम है इन ब्रिटिश इंडिया जो आपका प्रोवाइड कर रहा है फूड सिक्योरिटी व्हेन कन्वेंशनल क्रॉप आर फेलिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज होता है ना तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो आपकी स्टेबल नहीं रह पाती हैं, वो आपकी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी आपके डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये एक आर्टिकल है जिसकी वजह से कुछ हमारी डिजीज हो रही हैं। देखो डिजीज का नाम है आपका लेथरिज्म, अब कुछ नाम से समझ में आ रहा है अभी समझेंगे। देखो ग्रास पी जो है इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज दी केसरी दाल, इसको हम लोग केसरी दाल के नाम से भी जानते हैं, ये आपका हिस्टोरिकली इनफेमस है फॉर कॉजिंग दी लेथरिज्म, इस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करने के लिए ये एक फेमस टर्म है, फेमस दाल है। ये होता क्या है, ये लेथरिज्म आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसकी वजह से क्या लीड होते हैं, जो लोअर लिम्स है ना उसमें पैरालिसिस हो जाता है किसी भी पर्सन को। लुक एट दिस इमेज, यहाँ पर देखो तीन पर्सन है आपके, इनको लेथरेसिस की डिजीज हो रही है। तो लेथरेसिस इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, पर्सन के जो लोअर लिम्स है, दिस इज द अपर लिम्स, दिस इज द लोअर लिम्स, तो जो लोअर लिम्स के पार्ट होते हैं ना इनमें उनका पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। लुक एट दिस, देखिए आपको कितने कमजोर सी एकदम बोन्स की हड्डियां देखने को मिल रही हैं, तो उस पर्सन की बॉडी जो है ना वो स्टेबल ही नहीं हो पाती, जैसे वो खड़े होंगे तो ये घुटने उसके सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो क्या हो जाता है, गिरने लग जाता है। तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ध्यान रखना, जो लोअर लिम्स में आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब बात है लेट, इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाते हैं, 19th सेंचुरी के टाइम पे इसका सबसे ज्यादा आउटब्रेक देखने को मिला था जिसका लिंक हमें क्या देखने को मिला कि ग्रास पी जो है उसकी वजह से हो रहा है, जिसको आपका बैन कर दिया इन इंडिया में 1961 अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट। फूड अल्टरेशन एक्ट क्या होता है, हम ऐसे 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 प्रोडक्ट को हम ग्रो करते हैं जिससे हमें हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं फूड की क्वालिटी को चेंज करके, ठीक है। तो डिस्पाइट द बैन ग्रास पी कल्टिवेशन कंटिन्यू एंड रिसर्चर्स डेवलप लो टॉक्सिन वेराइटीज, बैन करने के बाद भी आपका ये स्टिल आपका ग्रो करने लगा और एक लो टॉक्सिन वेराइटीज की तरह इसको करने लगे, ठीक है। इन 2005 में एक एक्सपर्ट कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि लिफ्टिंग द बैन एम्फेसाइज इट पोटेंशियल फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को लेके इसमें ये किया गया कि इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा बैन को जो है इसको एम्फेसाइज किया और आपका ये चीज फिर से ग्रो होने लगी जिसकी वजह से आज भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो लेथरिज्म आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें किसकी वजह से होता है, ईटिंग दी टू मच ग्रास पी,
ऐसा नहीं है कि आप अगर थोड़ा सा आपने कंज्यूम किया है तो आपके ये पर्टिकुलर डिजीज हो जाएगी. नो, इट्स लाइक कि आप डेली रूटीन में, जैसे हम लोग राइस वीट हम लोग डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं ना, अगर आप सिमिलरली इसको डेली रूटीन में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी. इट इज ऑल्सो नोन एज दी न्यूरोथेरिज्म. इसको इस नाम से ही बोलते हैं बिकॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये. ठीक है, लेथरिज्म जो है ये आपका एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर है. ठीक है, सबसे पुराना न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर है ये. आपका स्केलेटन डिसऑर्डर है जो कि कॉज होता है बाय द टॉक्सिन BAPN विच इनहिबिट द कॉपर कंटेनिंग एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं लेरेसिल ऑक्सीडेज. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा ध्यान में रखना है, किसकी वजह से होता है, क्या है ये. क्लियर, चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल में. देखो अगला आर्टिकल हमारा यहाँ पर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क. ध्यान से देखेंगे क्या है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और क्यों न्यूज में आया है. तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का न्यूज में आने का रीजन ये है, यहाँ पर अभी ऑब्जर्व किया गया है कि 20-30% यहाँ पे आपको हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है माइग्रेटरी बर्ड्स का इस सीजन में, और एज रिपोर्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल. तो यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आपका ये रिपोर्ट किया है कि जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं उसमें हमें 20-30% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इज कि ये है कहाँ पर और इस जगह पे हमें कौन से फ्लोरा और फौना मिलते हैं, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये चीज आपको एकदम दिमाग में ध्यान में रखनी है. जल्दी से मैप में लोकेट करिए वेयर इज दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क. यहाँ पर इंडिया के मैप में आएंगे तो ये बाउंड्री जहाँ पे रेड मार्क किया गया है यहाँ पर हमारा है, ये है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क. दिल्ली के थोड़े से आगे देखेंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ेगा, और यहाँ पे आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश. साइड में आएंगे ऊपर आपको मिलेगा सूरजपुर बर्ड सेंचुरी, थोड़ा साइड में जाएंगे तो आपका गौतम नगर गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जो कि यूपी का अभी वन ऑफ द फेमस डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे आपका ग्रेटर नोएडा पूरा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, पूरा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर ये हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क. चलिए अब इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं. सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है अभी मैप में दिखाया, एक सुल्तानपुर विलेज है गुरुग्राम में, जो हाईवे से आपको 15 किलोमीटर आगे गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, हरियाणा में पड़ता है और 50 किलोमीटर फ्रॉम दी दिल्ली, जो मैंने आपको बताया ना मिडिल पॉइंट हरियाणा दिल्ली वहाँ के पड़ता है. ये एक बर्ड सेंचुरी है. ठीक है, आइडल है फॉर बर्डिंग एंड दी बर्ड लोकस. इट एरियाज कवर दी अप्रोक्सीमेटली 142 हेक्टेयर्स में इसका पूरा एरिया जो है वो फैला हुआ है. तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, माइग्रेटरी बर्ड्स आप समझते हैं सीजनल टू सीजनल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं. अभी सीजन में यहाँ है तो फिर अनदर सीजन में ये माइग्रेट करके अनदर प्लेस में चली जाती हैं. तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, अराइव करती हैं इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेप्टेम्बर. ठीक है, फिर उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो आपका रीसेटल करने लग जाती हैं टिल द प्लेस लोअरिंग द मार्च एंड अप्रैल तक. ठीक है, ड्यूरिंग द समर एंड मानसून मंथ द पार्क इज इनहिबिटेड बाई मैनी लोकल बर्ड्स स्पीसीज. इस समय पे समर और मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी लोकल बर्ड्स स्पीसीज आपकी आ जाती हैं. ठीक है, लेकिन अभी रिपोर्ट में यहाँ डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला हुआ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है. इन 1971 में जो हमारा सुल्तानपुर झील है ये कहाँ पर है, पार्क के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा. इसको आपका स्टेटस दिया गया था सेंचुरी स्टेटस अंडर द सेक्शन 8 ऑफ पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1959. जो इस पार्क का स्टेटस है ये आपका अपग्रेड किया गया टू द नेशनल पार्क इन जुलाई 1991 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू. ठीक है, समझ रहे हैं, सेंचुरी से इसका अपग्रेड किस में किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में किया गया. कब किया गया, इन द ईयर ऑफ 1991, ये चीज़ ध्यान में रखनी है. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फोना की कौन सी हमें मिलती है, तो मैमल्स और बर्ड्स में प्लीज़ ध्यान रखना बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स न्यूज़ में आ रही हैं. तो देखिए नाज की कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तो अगर हम मैमल्स की बात करें तो आपको ब्लैक बग मिलेगा, नीलगिरी मिलेगा, हॉक डेयर मिलेंगे, सांबर मिलेगा, लेपर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, और बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स मिलते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो मिलता है, और आपको कुछ और अनदर बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए पॉसिबल रीजन क्या है जिसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है माइग्रेशन. बताओ क्या रीजन हो सकते हैं, आप खुद से सोचिए. सबसे फर्स्ट रीजन तो हमारा है क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन. क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं. तो जितनी भी स्पीसीज हैं जिनको रहने के लिए सूटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रही है. ठीक है,
दूसरी चीज यहाँ पर अनदर रीजन क्या हो सकते हैं आप लोग बताइए, क्लाइमेट चेंज के अलावा ह्यूमन का इंटरफेरेंस है और आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर्स हैं, आपके पॉल्यूशंस लेवल है, ये सब चीज़ों की वजह से ही यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, जो लेवल है वो आपका कम होते जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है द इम्पॉर्टेंट इज, जो यहाँ पे टर्म दिया गया है कैमेलाइट्स। तो अभी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने आपका डिक्लेयर किया है 2024 को, इस 2024 अपकमिंग ईयर्स को एज द इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमेलाइट्स। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये कैमेलाइट्स होते क्या हैं और ये किस तरह की स्पीसीज है आपकी। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है टर्म। तो यूनाइटेड नेशन ने 2024 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स, जो कि एम्फेसाइज करता है द सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ कैमेलाइट। जैसे कि कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, एल्पेकस, बैक्टीरियन कैमेलस, उसके बाद डॉर्मेडाइस, और फिर आपके एलेमस, और कुछ यहाँ पे आपके जो है रहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी, ठीक है, दुनिया में हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स किसको किया है 2024 को, द इम्पॉर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर टर्म कि ये है क्या और किस फैमिली में हमारा आता है। देखते हैं चलिए इसको क्या है। ये कैमेलाइट्स जो है ये कंट्रीब्यूट करता है हमारा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में, समझ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी भी देता है आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देता है, सब में कंट्रीब्यूशन करता है इन ओवर दी 90 सेंचुरी, पिछली 90 सेंचुरी से ये करता आ रहा है। स्पेशली कहाँ पर, जो इंडिजीनियस पीपल हैं और कुछ आपकी लोकल कम्युनिटी हैं, ठीक है, ये एक क्रूशियल रोल भी प्ले करते हैं इन मीटिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, ये आपके हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, फाइबर हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन, सब में आपका ये हेल्प करते हैं। जहाँ पर नॉर्मल चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाती है, वहाँ पर ये कैमल्स हमारे क्या करते हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। हमें आपका फूड सिक्योरिटी देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ देते हैं, और आपका मिल्क, मीट, फाइबर, सब कुछ हमें इससे मिल रहा है। ठीक, चलिए तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स 2024, इसका मेन एम ये है कि हमें लोगों के बीच में अवेयरनेस को बढ़ाना है, हमें अनटैप पोटेंशियल को अचीव करना है, एनकरेज करना है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं कैमेलाइट सेक्टर्स में, और प्रमोट करना है रिसर्च को, कैपेसिटी डेवलपमेंट को, और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी को हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहाँ पर देखिए, कैमेलाइट्स, कैमेलाइट फैमिली में आपके कैमेलाइन, दूसरे आपके आते हैं लेमिनाइन, कैमेलाइन में आपका आता है कैमेलस, फिर आपका इधर आपकी कैटेगरी आती है लामा और विकुंगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो लुक एट दिस, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं है, बट नियर बाई रीजन में देखिए अरेब, इसके अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। यहाँ पर देखेंगे लालमा, फिर आपको मिलेगा अरेबियन कैमल, जो प्लेसेस हैं उनके बेसिस पे इनके नाम भी डिकोडेड हैं, बैक्टीरियन कमाल और विकुना, और यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा। तो अलग अलग प्लेसेस में आपको देखते को मिलेंगे, इधर नहीं मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ, इधर ऊपर वाले रीजन में नहीं है, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, चिली, ये पेरू, ये वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, फिर इधर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास देखने को मिलेगा, कुछ यूरोप में, इंडिया के पास इतना नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इनके बारे में, ठीक है, इन्होंने क्या रोल प्ले कर रखा है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज प्लेस इन न्यूज। तो देखते हैं आज कौन सा प्लेस न्यूज में आया है। हु आर यमन हाउतीज, यमन के जो हाउतीज हैं ये कौन है, इनके बारे में देखना है। उसके बाद आगे बोला है यहाँ पे जो रीजन है ना वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, रेड सी और कुछ कुछ रीजन यहाँ पे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। पहले इसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि इनका यमन का जो प्लेस है वो न्यूज में आया है, इनका वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है। ये जो ये मूवमेंट है ना जो अभी चल रहा है, ये ओरिजिनेट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1990s में, आज का वॉर नहीं है, 90s का वॉर है, इन द यमन एज द जैदली रिवालिस्ट ग्रुप। वहाँ पे अलग अलग ग्रुप है जो कि आपस में ही राइवेलियर करते हैं। तो इनिशियली ये फोकस करते थे आपके रिलीजियस और सोशल नेटवर्क पे, और जैसे जैसे ये आपके इवॉल्व होते गए, ये एक पावरफुल फोर्स बनते गए और लीड करने लगे इंसर्जेंसी अगेंस्ट दी जितनी भी हमारी प्रसिव करप्शंस हैं, एंड एक्सटर्नल इंटरवेंशन होने लगा यहाँ पे धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो हाउतीस का सलेल अलायंस है, यहाँ पे कैप्चर किया गया है सनास को इन 2015 में,
ट्रिगरिंग कर रहे हैं यहाँ पे सिविल वॉर इन दी यमन में। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ना, ये आज का नहीं है, बहुत पहले से इनके बीच में राइवलरी चलते आ रहा है, बहुत पहले से इनके बीच में आपकी ये लड़ाइयाँ चलती आ रही है। अब देखो, यमन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट दी बैकग्राउंड। यमन देखिए क्या है, यमन आपको कंट्री मिलेगी वेस्ट एशिया में। जल्दी से अपनी एटलास बुक को ओपन करिए और वहाँ पर यमन को सर्च करिए। यमन आपको देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया में। ये आपकी लोकेटेड है सदर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। ये आपका बॉर्डर शेयर करती है सऊदी अरेबिया से, ओमान से, और मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करती है आपकी एटेरिया, डिजिबुटी एंड सोमालिया से। लैंड बॉर्डर भी शेयर करती है और मैरिटाइम बॉर्डर भी शेयर करती है, ठीक है। यमन जो है ये आपका मेंबर है अरब लीग का, द यूनाइटेड नेशन, द नॉन अलाइंग मूवमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन कॉपरेशन, ठीक है। चलो देखो, अब मैं आप में देख लेते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस को। यहाँ पर आएंगे, दिस इज द यमन। देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें इनकी राइवलरी चलती रहती है। यहाँ पर आप इसको देखेंगे सऊदी अरेबिया, और इधर आपको इसकी कुछ बॉर्डर कंट्रीज देखने को मिलेंगी, वो आपको ध्यान में रखना है। इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको सारी कंट्रीज भी बताई कौन कौन सी हैं, ठीक। चलिए नाउ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑन द स्पॉट अपने माइंड को ओपन करिए, अपने थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी वो जो नॉलेज है ना, जितना अभी तक पढ़ लिया है उसको अप्लाई करिए, बिकॉज ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस आपको फिर से इस बार के प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेंगे। देखो, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज इसका अप्रोच है इंडिया का पार्ट, प्रोजेक्ट लेड बाय दी क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एज इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। इसके बारे में बताया है कि ये कैरीड आउट करता है अंडर दी कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज दी वन ऑफ दी पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर। बताइए, सोचिए आंसर्स को और मुझे ट्राई करिए आंसर देने का। सी सेट के बैच के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार वहाँ पे कॉल कर लीजिए, आपकी सारी क्वेरीज को सॉर्ट कर दिया जाएगा। आप बात कर लीजिए सुनीता एक बार, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अपने नंबर मैं दे दूंगी, बैच का अनाउंसमेंट मैं आपको वो भी दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। सी आंसर, डी आंसर आए हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। यस, डी इज दी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में पूछा है ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो क्या पूछा है, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू द यूनाइटेड यूनियन एंड द स्टेट बजट, देयर बाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। सेकेंड वन इज लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इनहांस द एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। एंड लास्ट वन इज रिस्टोरिंग एंड इन्हांसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। बताइए, क्या आंसर है इसका, बताओ। ए बी सी डी में जल्दी बताओ। बी आंसर आया है, इसका आंसर है आपका ए। चलिए कोई नहीं, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में आपसे पूछा हुआ है, बताओ। ए बी सब आंसर आए हैं, इसका आंसर है आपका सी। इसका मेन काम है रिस्टोर करना है और इनहांस करना है फॉरेस्ट कवर को। चलो ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो 2019 में पूछा हुआ है, ये कोल सेक्टर, माइन सेक्टर और जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दी इंदिरा गांधी। नाउ कोल ब्लॉक आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। नेक्स्ट वन इज, टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल टू मीट दी शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज द सेल्फ सफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन। बताइए तो, इसको तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। बताइए, डी आंसर आया है। और अगर आप इसमें एक ऑप्शन ध्यान से देखो ना, नाउ कोल ब्लॉक आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, ऐसा अभी तक हुआ है क्या? कोल जो है वो लॉटरी बेसिस पे एलोकेट किए जाते हैं क्या? ऐसा होता तो फिर तो हर कोई लॉटरी का टिकट लगाता और ले लेता ना। तो सेकेंड ऑप्शन तो एकदम वेक सा दिया हुआ है, हटाइए तो सेकेंड ऑप्शन को। नाउ लेफ्ट विद दी टू ऑप्शन। जैसे ही मैंने सेकेंड ऑप्शन हटाया तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? टू ऑप्शन ना। अब या तो इसका आंसर वन होगा या तो थ्री होगा। मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ बिकॉज ऐसे ही आपको एग्जाम में भी अप्रोच करना है। हर किसी को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है ना, यही बेसिक प्रैक्टिसेस आपको एग्जाम क्लियर कराएंगी, ना कि आपको रटने वाली चीजें। कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस ओपन करिए अपना। देखो, उसके बाद नाउ आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दी इंदिरा गांधी। यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ऊपर आपका स्टेटमेंट। और दूसरा देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है? टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल टू मीट दी शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन। क्या इंडिया अभी भी सेल्फ सफिशियंट है? हमारा कोल प्रोडक्शन में अभी भी सेल्फ सफिशियंट नहीं है, हटाइए सीधे। तो आंसर आ गया आपका डायरेक्ट ए। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ब्रेक करिए। हिंदी हिंदी क्या क्वेश्चन? तो हिंदी में ही क्वेश्चन को भी हिंदी में लिखना है क्या क्वेश्चन? मुझे लगा आप लोग क्वेश्चन तो समझ जाएंगे, कोल सेक्टर के बारे में आया हुआ है। चलो अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कोल। इंडियन कोल का कौन सा इसमें से करेक्टरिस्टिक्स है? बताइए तो, हाई एश कंटेंट होता है, लोअर सल्फेट, लोअर सल्फर कंटेंट है, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। बताइए कौन सा करेक्ट है? हाँ, चाइना से इंपोर्ट करता है ना, तो सीधे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। हम सेल्फ सफिशियंट तो अभी तक नहीं है। इसके बारे में बताओ, इसमें ट्राई करिए देने का आंसर। बी बी आंसर आया है। यस, इसका आंसर होगा आपका ए। दोनों ही करेक्ट हैं। बी तो ठीक है, बी आपने करेक्ट कर दिया, बट ए को क्यों छोड़ दिया? हाई एश कंटेंट भी तो होता है, तो ए आंसर आ जाएगा ना। बी तक तो आप करेक्ट पहुंचे। नो नो, ए किसी ने नहीं दिया है। नो 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 नो, ए ए इज द करेक्ट आंसर। बी ठीक था आपका ऑप्शन, बट ए भी उसमें करेक्ट था। चलिए अब देखते हैं एक सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सी सेट के भी क्वेश्चंस को अब आपके सेशन में इंक्लूड कर दूंगी ताकि आपका एक सी सेट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होते रहे। देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कल भी बताया था, वैसा ही जनरल सा क्वेश्चन है। कल भी एक कंसेप्ट समझाया था आपको, आज एक अगेन अनदर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा रही हूँ। देखो, एक मिनट आपके पास है, ट्राई करिए आंसर देने का।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप कुछ डाउट पूछ रहे हैं क्या? बट मैम लिखा है, कुछ डाउट है तो पूछिए। इसका आंसर दीजिए तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बता देती हूँ। वन नॉन डिजिट, एक आपको लेना है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। एक चीज आपको लेनी है नॉन जीरो डिजिट, एंड आपको सेकेंड चीज वन वॉवल लेना है, ठीक है। एंड थर्ड आपको आपको क्या लेना है, वन कंसोनेंट लेना है, ठीक है, कंसोनेंट लेना है। मैं सी कर देती हूँ। वन कंसोनेंट लेना है, देखो क्वेश्चन ध्यान से एक बार। वन नॉन वोवल जीरो लेना है और उसके बाद आपको वन कंसोनेंट लेना है और आपको वन नॉन जीरो डिजिट लेना है। इन तीन चीजों का आपको यूज करके आपको क्या बनाना है, एक पासवर्ड बनाना है, सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद द वोवल। देखो आपको तीन डिजिट का एक पासवर्ड बनाना है। वन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखो दिमाग लगाओ, वन टू थ्री, तीन डिजिट का आपको एक पासवर्ड बनाना है। अब उसने बोला है कि जो पासवर्ड है वो आपका स्टार्ट होगा किससे, वोवल से, वोवल से मेरा पासवर्ड स्टार्ट होना है और एंड होगा कंसोनेंट से, कंसोनेंट से आपका एंड होगा। तो बताइए वो पासवर्ड क्या है, बताओ। बी आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या बी? 525, ओके। बाकी लोग भी ट्राई करिए, देखो हिंट आपके सामने है, एक आपको वोवल लेना है, एक आपको कंसोनेंट लेना है इंग्लिश अल्फाबेट का, और एक आपको नॉन जीरो डिजिट लेनी है। चलो अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो यहां देखो, नॉन जीरो डिजिट कितनी होती है, कहां से कहां तक, वन से लेके नाइन तक, ठीक है। तो टोटल नॉन जीरो डिजिट कितनी हो गई, नाइन, ठीक। वोवल लेना है दूसरा, वोवल कितने होते हैं आपके, टोटल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं जिसमें से पांच आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। तो कंसोनेंट कितने हो गए, 21, तो वोवल कितने हो गए टोटल आपके, 5। कौन कौन से होते हैं, पढ़ा होगा बचपन से, ए ई आई ओ यू, तो 26 अल्फाबेट्स में से 5 आपके वोवल्स हो गए। तो कितने कंसोनेंट बचे आपके, 21 हमारे क्या बचे, कंसोनेंट्स बचे। तो अब आपको पासवर्ड जनरेट करना है जिसमें स्टार्ट किससे होगा, वोवल से होगा, तीन डिजिट का पासवर्ड बनाना है, स्टार्ट वोवल से होगा, तो वोवल कितने हैं आपके, 5, ठीक है। फिर क्या आएगा बोला है, एंड किससे होगा, कहा है कंसोनेंट से, तो एंड कंसोनेंट कितने हैं हमारे, 21। तो बीच में क्या बचा हमारा, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट कितनी होती है, 1 to 9 तक, तो 9, तो क्या करेंगे, 5 × 9 × 21। कल भी बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रीअरेंजमेंट और सिलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, वेरी गुड, 945 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, आंसर बताओ मुझे, जिन्होंने 525 आंसर दिया था जस्ट चेक करो एक बार आंसर बोर्ड पे, मैंने किया है सॉल्व। समझ आया मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। यस सुनीता ने करेक्ट आंसर दिया है, यस 945 इज द करेक्ट आंसर, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यस ठीक है, जिसने भी 945 दिया है दिस इज द करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपका आ जाएगा, 9 × 21 × 9 × आ गया ना 945, यस 945 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको एक एक क्वेश्चन सी सेट का भी कराते रहूंगी, अभी मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की करा रही हूँ, देन आई विल मूव टू द अनदर टॉपिक, ऐसे करके थोड़ा मिस हो गया, यस एग्जाम में थोड़ा मिस के चक्कर में ही तो 2.5 मार्क्स लॉस हो जा रहे हैं ना, वो नहीं करना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सी सेट का भी प्रैक्टिस करा दे रही हूँ, ताकि आपका ये जो 2.5 मिस होने वाली गलतियाँ होती है ना वो ना हो, और आप सब लोग अच्छे ग्रेस के साथ पास हो जाएं, सी सेट में डर ना रहे, क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके मन में डर है सी सेट को, तो यू कैन ज्वाइन अवर बैच ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पर सी सेट भी पढ़ाया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड सुनीता ने पूछा था, तो बेटर यू कैन कॉन्टैक्ट, अभी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर एक बार बात कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, अब मैं कॉम्प्रिहेंशन भी ऐड कर दूंगी ताकि आपकी वहाँ पे भी एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी हो जाए, और आप लोगों के कोई सजेशन रहे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं ईच एंड एवरी वन का कमेंट पढ़ती हूँ और उसी अकॉर्डिंग आपके एक्शंस लेती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल के सेशन में इन द सेम टाइमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू।